गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे फिजिक्स। उस फिजिक्स में हम लोगों का आज का टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा इससे प्रीवियस क्लास में जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और इसके साथ था रेस्ट एंड मोशन। आज हम लोगों का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को हम लोग चार भाग में करके अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों का होगा, ध्यान से देखें, एग्जांपल। और इसमें एक एग्जांपल के द्वारा ये प्रयास करेंगे समझने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। हमारा इसका दूसरा पार्ट होगा डिफिनेशन। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसके डिफिनेशन तक पहुंचेंगे कि एक्चुअल में उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं जिससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पहचान हो। फिर हमारा तीसरा पार्ट होगा आज का यूनिट। पहले पढ़ चुके हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, उसको मेजर करते हैं, तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, ये तीसरा पार्ट होगा। और चौथे पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक का प्रॉपर्टीज, कि किस तरह से उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं उसके बारे में समझेंगे, और साथ ही कौन कौन से प्रॉपर्टीज है उसको भी डील किया जाएगा। तो इन्हीं चार फैक्ट्स पर आधारित है आज का। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें, और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोगों को एग्जांपल ही समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अगर मैं पहले कहूं कि सवेरे सवेरे हम लोग 8 बजता है रेडी होते हैं, स्कूल के लिए आते हैं, फिर स्कूल से वापस घर जाते हैं। किसी का स्कूल और घर का डिस्टेंस जो कवर करता है एक्चुअल लेंथ उसके रास्ते का, कोई 1 किलोमीटर से, कोई 2 किलोमीटर से, कोई 200 मीटर से, कोई 400 मीटर से, अलग अलग डायरेक्शन से भी आते हैं। तो ठीक ऐसा ही हम लोग एक एग्जांपल समझे, एंड लेट अस सपोज ए इज अ पॉइंट एंड बी इज अनदर पॉइंट। अब अगर हम ए से बी तक जाने के अलग अलग रास्ते के बारे में सोचे, तो सपोज फर्स्ट पाथ इज ए बी एंड ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इट इज पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 1, लेट ए सी बी इज अनदर पाथ एंड इट इज गिवन बाय पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 2 से इंडिकेट कर दे, लेट ए डी बी इज ऑल्सो अनदर पाथ मान लें, और ये है पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 3, सपोज ए सी इक्वल्स टू 2 किलोमीटर एंड सी बी इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, सपोज ए बी इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, ए डी इक्वल्स टू 4 किलोमीटर एंड DB इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। तो बच्चों, ये हम लोग देखे अलग अलग रास्ते से A से B तक पहुंचने का पाथ, अलग अलग रूट है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3। बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द 3 पाथ्स वी कैन रीच फ्रॉम A टू B, A से B तक पहुंच सकते हैं इन तीनों में से किसी भी रास्ते के द्वारा, किसी भी पाथ के द्वारा। लेकिन इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखें, इफ अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी ही हैज ट्रेवल ओनली 4 किलोमीटर, और अगर वही पर्सन ए सी बी से ए सी बी रास्ते को फॉलो करते हुए ए से बी तक जाता है तब वो 2+3 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और अगर ए से बी तक जाने के लिए हम लोग तीसरे पाथ को फॉलो करें वाया डी, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 4 किलोमीटर + 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर। तो अगर इन तीनों रास्ते से हम लोग पहुंचने का प्रयास करें तो फाइनल डेस्टिनेशन है बी और स्टार्टिंग पॉइंट है ए, लेकिन ए से बी तक पहुंचने के लिए अलग अलग एक्चुअल लेंथ पाथ का कवर किया जाता है। ये अलग अलग एक्चुअल लेंथ जो पाथ का कवर किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर डिफाइन करते हैं किसी भी दो प्लेसेस के बीच में जिस रास्ते से भी पहुंचा जाए
जो एक्चुअल लेंथ पाथ का कवर किया जाता है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। अगर हम इसमें देखें पाथ नंबर वन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, पाथ नंबर टू डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, एंड पाथ नंबर 3 डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9 किलोमीटर। दस इन ऑल द 3 केसेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी आर डिफरेंट। उसके द्वारा जो कवर किया जा रहा है डिस्टेंस वो तीनों ही कंडीशन में अलग अलग है, फर्स्ट में 4 किलोमीटर, सेकेंड में 5 किलोमीटर और तीसरे में 9 किलोमीटर। लेकिन अब इसमें एक और देखें, जब भी हम लोग इसमें ए से बी तक पहुंच रहे हैं तो उस समय डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, किसी पाथ में चेंज हो रहा है किसी पाथ में चेंज नहीं भी हो रहा। अब अगर हम पाथ नंबर ए बी को ही देखें जो पाथ नंबर वन है, तो इसे जाने के क्रम में डिस्टेंस डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स्ड है, वो कहीं चेंज नहीं होता। यानी ए से बी तक जाने में पर्सन के द्वारा जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, मोशन का, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होता। अर्थात ए बी अगर पाथ नंबर वन को फॉलो करते हुए पहुंचा जाए तो उसमें डायरेक्शन फिक्स्ड है। लेकिन जब हम लोग ए सी बी के माध्यम से ए सी बी को फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुंचते हैं तो इस समय ए से सी तक डायरेक्शन एक खास है, फिक्स्ड है, लेकिन फिर सी से बी की ओर जाने में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर डी होकर ए से बी तक पहुंचा जाए तो उस कंडीशन में भी ए टू डी डायरेक्शन एक फिक्स्ड है, लेकिन डी से बी तक जाने में फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है और अब दूसरे डायरेक्शन के द्वारा हम लोग पहुंच जाते हैं। सो इन ऑल दीज 3 केसेस वी फाइंड दैट द एक्चुअल लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट चेंज इट्स पोजिशन देन दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर एक्चुअल लेंथ कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसके द्वारा कवर किया हुआ एक्चुअल लेंथ पाथ का डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पाथ ए बी के द्वारा बताते हैं जो पाथ नंबर वन है, तो पाथ नंबर वन डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड है और साथ ही साथ ये सबसे छोटा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है। सो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक से दूसरे डेस्टिनेशन तक, दूसरे पोजिशन तक, दूसरे प्लेसेस तक अगर हम लोग ट्रेवल करके पहुंचते हैं तो कवर किया हुआ एक्चुअल पाथ का लेंथ डिस्टेंस है। लेकिन द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी बॉडी के दो अलग अलग पोजीशंस के बीच का जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ हो उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस ए से बी तक जाने में ए बी इक्वल्स टू, इट मीन्स पाथ नंबर वन ए बी इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, ये स्पेशल कंडीशन है और ये है डिस्प्लेसमेंट, याद रखेंगे। और बाकी ये तीनों ही जो उसके पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है ये तीनों ही है डिस्टेंस। तो हम लोग इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो अब इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या इसमें डिफिनेशन, कि किस तरह से इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट अस टेक द डिफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड as the actual length traversed by the body from one position
to another. तो अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में किसी भी रास्ते से होकर जाए, जो एक्चुअल वास्तविक रूप से पाथ का लेंथ कवर किया जाता है उसको कहा जाता है डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा सा अलग है. डिस्प्लेसमेंट इसे हम लोग डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट, ध्यान से समझेंगे, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन. द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अब अगर हम लोग इसको सिंबलाइज करना चाहें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो इसमें इट इज इंडिकेटेड बाय, ये डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस इज इंडिकेटेड बाय एस, इसको एस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है. एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय एस, बट इसके ऊपर में एक एरो लिखा जाता है. एंड एरो इज पुट जस्ट ओवर द सिंबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. एंड फॉर एग्जांपल एस, और उस पर एक डायरेक्शन लिखते हैं. तो इसमें डायरेक्शन लिखने का एक खास मकसद है. जैसा भी हम लोग पढ़े, डिस्टेंस में कोई वेल डिफाइंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, यह स्केलर क्वांटिटी. लेकिन यहां पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में देखें तो एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होता है. जैसा अभी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि अगर पॉइंट ए से बी तक अगर जा रहे हो, तो ए से बी तक जाने के क्रम में बिल्कुल फिक्स्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तब वो था पाथ नंबर वन, और उस समय वो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा था. लेकिन बच्चों, चूंकि नाइन्थ क्लास में हम लोग स्केलर वेक्टर के प्रॉपर्टीज, उसका प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट में नहीं लाते हैं, इसलिए अगर आप सिर्फ एस भी लिखते हैं इसके लिए तो काम चल जाती है. ऐसे उसके ऊपर एरो का इस्तेमाल करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा. तो यहां पर ये हम लोग डेफिनेशन याद रखेंगे डिस्टेंस के लिए है. इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय लेटर एस. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अब जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. और उसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम लोग उस पाथ का लेंथ फाइंड करते हैं कि कितना डिस्टेंस है. अब अगर मैं ये बताऊं कि आप लोगों ने जो एग्जांपल में पहले देखा पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर इसमें से हम ए को अनिसाबाद मान लें और बी को पटना जंक्शन मान लें, तो अनिसाबाद से पटना जंक्शन जाने के कई सारे तरीके, कई सारे रास्ते, कई सारे रोड हो सकते हैं. किसी भी रास्ते या रोड के सहारे, पाथ के सहारे अनिसाबाद से पटना जंक्शन पहुंचा जा सकता है. लेकिन इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, हम लोग दूसरे रूप में कहें कि एरियल डिस्टेंस होगा, वो हमेशा फिक्स्ड होगा, और उस स्ट्रेट लाइन पाथ का लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा. जबकि अलग अलग सड़क, अलग अलग रास्ते से होकर अनिसाबाद से पटना जंक्शन पहुंचते हैं तो उस रास्ते की लंबाई भी चेंज होते रहेगी और वो कहलाएगा डिस्टेंस. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बड़ा फर्क, बड़ा अंतर यह है कि डिस्टेंस बदल सकता है, लेकिन किसी खास दो पोजीशंस के लिए, फिक्स्ड पोजीशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स्ड होगा और हमेशा वो स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ के द्वारा ही दिया जाता है. तो ये हम लोगों ने देखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और उसको एग्जांपल के द्वारा. अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूनिट. तो
आप ये समझ लें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वास्तविक में ट्रेवल किया हुआ पाथ का लेंथ है, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग लेंथ फाइंड करते हैं पाथ का, इसलिए इन दोनों के लिए ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो ऐसा यूनिट दोनों के सेंस में, जो हम लोगों का तीसरा नंबर में पढ़ना था यूनिट का, वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमेशा इंडिकेट किया जाता है मीटर के द्वारा मीटर, और इसको सिंबलाइज करते हैं एम से। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद पार्ट आता है प्रॉपर्टीज का, तो अगला पार्ट हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसे ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस का, और इसका खासकर दो प्रॉपर्टीज है, जिसमें से फर्स्ट है इसके लिए, फर्स्ट में इट इज अ स्केलर, स्केलर क्वांटिटी मींस इट डज नॉट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक एग्जांपल दिया गया था, वाइट सेट टू बी रन 10 मीटर, तो उसमें बच्चा 10 मीटर किसी भी डायरेक्शन में दौड़ लगा सकता है, वहां पर कोई पार्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा है और 10 मीटर उसे दौड़नी है। तो यहां पर 10 मीटर मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये एक डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे होते, इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। बट इसमें दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। एक्चुअल लेंथ जो हम लोग कवर करते हैं एक से दूसरे जगह तक जाने में, घर से स्कूल आए, स्कूल से घर जाए, एक शहर से दूसरे शहर जाए, अपने आस पड़ोस के दोस्तों के फ्रेंड के यहाँ जाए, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता है पाथ का, चाहे किसी भी रूट को फॉलो कर रहे हो, वो वास्तविक में लेंथ है, और इसीलिए वो पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव नहीं होता। तो याद रखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये एक महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये इसमें स्केलर होता है। सो जस्ट टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिस्कशन अबाउट डिस्टेंस, एंड दैट इज स्केलर, इट मीन्स नो फिक्स्ड डायरेक्शन, एंड पॉजिटिव, इट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे जब भी कवर करेंगे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट के सेंस में ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट अस लुक फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आप लोगों को इसमें पढ़ते रहते हैं, अगर कहीं कोई टॉपिक में परेशानी हो या आप नहीं समझ पा रहे हो तो जरूर आप उसे कमेंट में स्कूल के साइट पर लिखा करें, डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसा इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहने का इसमें सेंस है कि इसके पास में फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। जैसा हम लोग एग्जांपल के द्वारा भी देखें, सपोज अ बॉय इज सेट टू बी रन 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहां पर उसको एक स्टेटमेंट में स्पेशल स्पेसिफाइड पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया गया, और वो डायरेक्शन है नॉर्थ की ओर दौड़ लगाना। तो उस स्टूडेंट के पास, उस लड़के के पास एकमात्र ऑप्शन है नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ने की, वो और किसी भी डायरेक्शन में नहीं दौड़ लगा सकता। तो 10 मीटर मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहां पर
10 मीटर नॉर्थ की ओर दौड़नी है, क्योंकि फिक्स्ड कर दिया गया उसके डायरेक्शन को, इसलिए जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो उसको कहा जाता है वेक्टर। तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हम लोग अभी देखे कि ए से बी तक जाने में उसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल फिक्स्ड था। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखेंगे जैसे डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के सेंस में ये कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसे बहुत से छोटे सिंपल से एग्जांपल के द्वारा हम लोग पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे, मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग ध्यान देंगे इसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट इसी में है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। तो आप इसमें ये समझें कि कोई भी एक बॉडी है जो इनिशियली ए के पास है, वो ए से बी तक पहुंचा और फिर बी से सी तक पहुंचा, एंड लेट अस टेक ए बी इक्वल्स टू 2 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4 मीटर, देन हाउ कैन यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो इसमें देखें, इनिशियल पोजिशन ए इज द इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन, एंड सी इज द फाइनल पोजिशन। तो इसमें ध्यान से देखें, स्पेस कम है और समय अधिक होती है, इसलिए मैं कम में बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोगों को ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ए इज द इनिशियल पोजिशन एंड सी इज द फाइनल पोजिशन। सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज एट पॉइंट बी बाय ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड फ्रॉम बी टू सी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 4 मीटर, देन इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज एट ए एंड द फाइनल पोजिशन फॉर द होल जर्नी ऑफ द बॉडी इज एट सी, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन ए एंड सी। As body moves through a straight line path, so displacement of the body is given by AC, and AC equals to AB plus BC, and equals to 2 meter plus 4 meter equals to 6 meter, which is positive. तो अभी हम लोग इस एग्जाम्पल में देखें कि अगर कोई भी बॉडी A से चलना शुरू किया, B तक पहुंचा 2 मीटर कवर करके, और फिर उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली वो सी पर आया और उस समय वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तब जैसा डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन 2 पोजिशंस ऑफ द बॉडी, और 2 पोजिशंस है ए एंड सी और इसके बीच शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ ए सी, और फाइनली हम लोग फाइंड किए ए सी इक्वल्स टू 6 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर पॉजिटिव है, इसलिए किसी भी 2 पोजिशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट बॉडी के लिए पॉजिटिव आ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि ये पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी इसमें देखें कि ये पॉजिटिव हुआ, अब आता है दूसरा पार्ट कि क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सेकेंड में देखें, व्हेन एस इक्वल्स टू नेगेटिव, तब जब ये नेगेटिव, नेगेटिव था लेट अस सपोज एन एग्जांपल, अ बॉडी इज इनिशियली एट ए एंड इट मूव्स 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, 10 मीटर का डिस्टेंस ये कवर किया ए से बी की ओर। अब ये उसी पाथ को फॉलो करते हुए, बाय फॉलोइंग द सेम पाथ द बॉडी कम्स बैक टुवर्ड्स ए एंड रीचेस एट पॉइंट सी, अब इसी पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली वापस आता है और वो पहुंच जाता है सी पर। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, ए इसमें क्या है, इनिशियल पॉइंट, याद रखेंगे इनिशियल पॉइंट, और इसमें बी क्या है बॉडी के लिए, ये है फाइनल पॉइंट, सॉरी
बी नहीं, सी, सी पर फाइनल बॉडी आ जाता है और सी इसका है फाइनल पोजीशन। तो ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा, लेकिन बी से वो वापस लौटता है और वापस लौटने के क्रम में वो ए पर नहीं रुकता, सी तक आ जाता है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट ए है जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनली बॉडी रुक रहा है सी पर, तो सी क्या है इसमें फाइनल पोजीशन है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें हम लोग फाइंड करना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहेंगे इसमें ए और सी के बीच का, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए सी एंड ए सी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी, क्योंकि ए से बी की ओर जाने का एक खास डायरेक्शन है, सपोज वो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइट एंड व्हेन बॉडी कम्स बैक टुवर्ड्स ए देन दिस टाइम द डायरेक्शन इज इन द अपोजिट ऑफ फर्स्ट एंड सो इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर ये मान लें कि राइट ओर के लिए हम लोग पॉजिटिव प्लस यूज करते हैं, डायरेक्शन बदलने के साथ लेफ्ट की ओर के लिए कवर किया हुआ डिस्टेंस में हम लोग माइनस यूज करेंगे, और साइन यहाँ पर साइन सिर्फ इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, याद रखेंगे। देन एस इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी, बट हियर ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर एंड सपोज बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर, देन 10 माइनस 12 मीटर इक्वल्स टू माइनस 2 मीटर विच इज निगेटिव। तो बच्चों इस पर ध्यान से देखें कि इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया निगेटिव, तब जब कोई भी बॉडी ए से मूव करना शुरू किया बी तक गया 10 मीटर फॉरवर्ड करके और फिर ये वापस बी से लौट जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और इस बार यहां तक आने में ये 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर देगा, तब डिस्प्लेसमेंट दिया गया 10 मीटर माइनस 12 मीटर माइनस 2 मीटर और ये क्या है निगेटिव। तो दो कंडीशन इससे वेरीफाई हुआ, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन है जिसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो हम लोग अब उसके लिए पढ़ाई करें कि जीरो कैसे होगा। अब ये थर्ड पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अभी तक हम लोग जितना भी एग्जांपल लिया उसमें सारे ने बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है एंड सपोज कि ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ इनिशियली अ बॉडी इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ए पर कोई भी एक बॉडी इट स्टार्ट्स टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है एंड सपोज वन कंप्लीट साइकिल इज परफॉर्म बाय द बॉडी एंड फाइनली बॉडी रीचेज एट पॉइंट ए। तो मान लें कि कोई ए से स्टार्ट मूव करना स्टार्ट किया बॉडी सर्कुलर पाथ पर और इसके रेडियस को अगर हम लोग मान लें कि है आर, सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है और इस पर कोई भी बॉडी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है एंड लेट अस सपोज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इट्स जर्नी इज एट ए। तो जैसे ही बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है, एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, वो एक बार फिर से वापस ए पर ले आता है, तो ए इनिशियल पॉइंट है और ए उसका फाइनल पोजीशन भी है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही कोइंसाइड करता है और उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। सपोज अ बॉडी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए, सो ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल द बॉडी रीचेस एट ए व्हिच इज आल्सो द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, हियर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर एंड सो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज जीरो, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। अब अगर ये मान लें कि बॉडी एक हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है और फिर वो पहुंच जाता है बी के पास,
तो बी तक पहुंचने में अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हाइल इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ द सर्कल एंड इज गिवन बाय 2 पाई आर बाई 2 जो एक्चुअल लेंथ है। ये 2 पाई आर क्या है? सर्कमफेरेंस। अगर रेडियस मालूम है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा ये उस सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस से दिया जाता है। और अगर हम लोग आधे रिवॉल्यूशन के लिए फाइंड कर रहे हो तो इसका सेमी सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे और सेमी सर्कमफेरेंस उसका होगा 2 पाई आर बाई 2 इट मींस पाई आर। तो ये क्या है? डिस्टेंस है। किसके लिए है ये? फॉर हाफ रिवॉल्यूशन और हाफ साइकिल। लेकिन अगर हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें इसी हाफ साइकिल के लिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द बॉडी एंड हियर ए इज इनिशियल पोजीशन बी इज फाइनल पोजीशन सो शॉर्टेस्ट लाइन पाथ ए बी गिव्स द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी एंड हियर ए बी इज द डायमीटर सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू बी एंड इक्वल्स टू 2r। तो अगर हम इसमें हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तब b इक्वल्स टू होगा 2r। तो देखिए आप लोग इसमें से देख रहे हैं कि अगर कंप्लीट साइकिल हो तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया? 0। अगर हाफ साइकिल हो तो उसमें डिस्टेंस कितना है? पाई r। और अगर हाफ साइकिल के लिए ही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो वो कितना है? डायमीटर के बराबर 2r। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इस सर्कुलर मोशन में ही ऐसा संभव है। इसके लिए है सपोज कि ए से कोई बॉडी चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा ए से, और सपोज कि ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड फाइनली रीचेज एट पॉइंट बी एंड देन कम्स बैक टू फॉलो द सेम पाथ एंड स्टॉप्स एट पॉइंट ए, ए पर आकर वो रुक जाता है। तो ए से बी तक वो 5 मीटर पहले कवर किया 5 मीटर, और फिर बी से ए तक अब वो 5 मीटर आया, लेकिन इस बार सामने नहीं अपोजिट डायरेक्शन में आया इसलिए -5, और फिर इस बार टोटल अगर हम ऐड करें तो आ जाता है 0। ये उसी तरह से है कि आपने सवेरे 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकला और फिर छुट्टी के बाद 2:30 बजे आप वापस घर पहुंच जाते हो उसी रास्ते से, अलग रास्ते से नहीं, सेम पाथ से। तो जितना डिस्टेंस आपने आते समय ट्रेवल किया ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय भी उतना ही डिस्टेंस किया ट्रेवल किया, और आप जहां से यात्रा शुरू किए थे आपकी जर्नी जहां से हुई थी फाइनल आपकी जर्नी वहीं पर जाकर एंड हो जाती है, और इसलिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही प्लेस पर आता है, तो एक्चुअल लेंथ पाथ का 0 हो जाता है और तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे हम लोग समझे। अब इसी में मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा कि सपोज PQ यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी P से स्टार्ट करके एक बॉडी क्यू तक आता है ईस्ट डायरेक्शन में और ये 3 किलोमीटर कवर करता है ईस्ट डायरेक्शन ई की ओर, और अब क्यू से आर की ओर ये पहुंचता है नॉर्थ डायरेक्शन में टुवर्ड्स द नॉर्थ 4 किलोमीटर। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, इसका आंसर आप लोग सोचेंगे कि कोई भी बॉडी पी से क्यू तक 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया और परपेंडिकुलरली क्यू से फिर आर तक 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, then what is the distance and what is the displacement? Distance is given by the actual length traversed by the body and the actual length is given by PQ plus QR. It means 3 km plus 4 km and that is 7 km. So here in this case, S equals to 7 km. You have to know. And second, what is the displacement between T and R? The displacement is given by the two different positions and shortest straight line path. ये दोनों चीज को याद रखना है।
तो P से बॉडी मूव करना शुरू किया, फाइनली R तक पहुंचा, सो इनिशियल पॉइंट इज एट P एंड हियर फाइनल पोजीशन इज एट R एंड सो द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ PR। अब यहां पर देखें PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसमें PR फाइंड कर सकते हैं, PR फाइंड कर सकते हैं, और वो PR इसमें होगा 3² + 4² का रूट। इट मींस यस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट 3 × 9 और प्लस 4 × 16² किलोमीटर एंड देन इट इज 5 किलोमीटर। So in this case, distance equals to 7 km, but displacement equals to 5 km। तो बच्चों हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो आएगा स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।